नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। पंजाब के बरनाला के नजदीक तपा इलाके में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना निगम कर्मचारी अपने काम पर ध्यान देते हैं और ना इलाके की जनता अपने इलाके को साफ रखना चाहती है। तपा मंडी की दिलवा रोड, बाल्मीकि चौक, गीता भवन रोड जैसे इलाके गंदगी से भरे हुए हैं। सीवरेज के ढक्कन खुले हैं मगर किसी को कोई चिंता नहीं है। नेता वोटों के समय आते हैं, उसके बाद जनता जाए भाड़ में, उन्हें कोई मतलब नहीं। सरकारी कर्मचारी काम करने को राजी नहीं। बीमारी फैलती है तो फैले। जब इस बारे में बात की इलाके के एसजीएम विक्रमजीत सिंह शेरगिल से, तो आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। थान थान पर गंदे ढेर लगे हैं, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट जी, बट जो एक दो स्पॉट्स तो है जिथे इन गारबेज की कलैक्शन करते हैं, तो जितों ये रेगुलरली नहीं चक रहे, उस संबंधी मैं ईओ नाल अज ईओ नू हदायत करूँगा कि वह शहर का राउंड ला के जिथे कि गारबेज के डंप्स बने हुए हैं उतों क्लीयर करवाने, उन्होंने ऑन अ रेगुलर बेसिस इंश्योर करे। तो सर जे हम एक बार ये गंद चक देंगे जी उतों, चकन तो बाद लोग फिर उत्थे सड़ते हैं गंद, वो बारे की हल किए। स्वच्छ भारत अभियान की तुम गल कर रहे हो जी, स्वच्छ भारत अभियान कला प्रशासन के साफ करन कामयाब नहीं होना। स्वच्छ भारत अभियान के राही लोगों भी अपील की जाती है। स्वच्छ भारत अभियान लगता है तपा के लिए एक नारा बनकर रह गया है। तपा से नरेश गर्ग की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।